मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किला कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों की लगाई गई जमानत की अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आर्यन खान सहित सभी 8 आरोपियों को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। सभी आरोपियों को NCB के दफ्तर से निकाल कर जेल ले जाया गया। युवकों को आर्थर रोड जेल और युवतियों को भाईखला जेल भेजा गया है। जेल में रहने के दौरान आरोपियों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। आर्यन खान को लेकर ये मामला काफी चर्चे में है, लेकिन वो भले ही सुपरस्टार के बेटे हों, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की अलग सुविधा नहीं दी जाएगी। कोर्ट के आदेश अनुसार सभी आरोपियों को वही खाना खाना होगा जो बाकी कैदियों को मिलता है। चलिए जानते हैं जेल में रहने के दौरान आर्यन खान का पूरा रूटीन कैसा रहेगा। आर्यन और अरबाज दोनों नई जेल की पहली मंजिल पर बैरक नंबर 1 में रहेंगे। इससे पहले जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए आरोपियों को 3 से 5 दिन के लिए क्वारंटीन सेल में रखा जाएगा। अभी के लिए किसी को भी यूनिफॉर्म नहीं दी गई है। आर्यन खान को जेल में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। उन्हें घर का खाना खाने के लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। हालांकि कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि किसी को बाहर का खाना नहीं दिया जाएगा। बाकी कैदियों की तरह ही आर्यन को सुबह 6 बजे उठना होगा। 7 बजे उन्हें नाश्ता मिलेगा, जिसमें शीरा और पोहा ही दिया जाता है। दोपहर और रात को खाने में रोटी सब्जी और दाल चावल मिलेगा। अगर आर्यन खान को जेल का बना खाना नहीं खाना तो वे कैंटीन से खाना ले सकते हैं। इसके लिए वह मनी ऑर्डर के जरिए परिवार से पैसे मांग सकते हैं। कैंटीन से खाना खाने के बाद आरोपी अंदर घूम टहल सकते हैं, लेकिन अभी आर्यन खान को इसकी अनुमति तक नहीं मिली है, जब तक उनका क्वारंटीन पीरियड खत्म नहीं हो जाता। रात का खाना शाम 6 बजे ही परोस दिया जाता है, लेकिन अगर आरोपी चाहे तो रात के 8 बजे तक खाने की प्लेट अपने पास रख सकता है। ऐसे में आर्यन भी रात के 8 बजे तक चाहे तो डिनर कर सकते हैं। गाइज, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही ऐसे और भी ट्रेंडी न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।